नमस्कार दोस्तों मेरा नाम करम प्रताप और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्मार्ट पे तो आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि ये जो है आज हम ग्राहक सेवा केंद्र के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारा मिनी ब्रांच होता है सी पॉइंट आप लोगों ने सुना भी होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं जो हमारा सी पॉइंट होता है ग्राहक सेवा केंद्र एस बी आई का किसी भी होम ब्रांच का उसको हम कैसे लें तो काफी लोग कमेंट कहते हैं जो हमारा सी होता है उसको हम कैसे लें कैसे लें तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम सी कैसे लें और इसके ऊपर पा, मेरे पापा ने ऑलरेडी एक वीडियो बना भी रखा है कि सी एस जो पॉइंट होता है वो कैसे लें अगर आप लोग वो वाला वीडियो भी देखना चाहते हो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं और आज के हम पूरी वीडियो में आपको ये बताएंगे सी एस में लेने में क्या क्या कागज़ लगते हैं यानी क्या क्या सर्टिफिकेट लगते हैं और क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है आप लोगों को सी लेने के लिए और कहाँ से मिलेगी कैसे मिलेगी तो बिना किसी देरी के वीडियो में स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी एस पी कहाँ से मिलेगा तो आपके नियर बाय जो होम ब्रांच होती है एस बी आई की या फिर जिस भी ब्रांच का आप मिनी ब्रांच लेना चाहते हो उसकी होम ब्रांच में आपको विजिट करना पड़ेगा मैं उदाहरण के तौर पर एस बी आई का बता रहा हूँ तो अगर आपको एस बी आई का सी एस पी चाहिए तो आप एस बी आई के जा एस बी आई ब्रांच में जाकर अपने होम ब्रांच के मैनेजर से मिलिए उनसे बोलिए कि हमको एक सी एस पी चाहिए स्टेट बैंक का तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए अगर आपका एस बी आई का मैनेजर सी देने के लिए राजी होता है तभी आप अपना अगला कदम उठाइएगा और अगर आपका मैनेजर ही मना कर देता है आपकी होम ब्रांच ही मना कर देती है तो अगला कदम आप बिल्कुल भी मत उठाना क्योंकि अगर आपके होम ब्रांच के मैनेजर मना कर देंगे फिर कोई सी भी कंपनी हो कुछ भी हो, आपको सी एस पॉइंट नहीं दिला सकती है अक्सर के मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं होम ब्रांच मना कर देती वो है वो कंपनी से संपर्क करते हैं तो कंपनी पैसे भी ले लेती है और कोई भी आई डी बना के ना देती है तो अगर आपका मैनेजर मना करे तो उसको दोबारा लेने की सोचना भी मत क्योंकि किसी नहीं फिर आपको कोई भी सी दिला दे अगर आपका होम ब्रांच का मैनेजर मना कर रहा है तो हम बात करते हैं अगर होम ब्रांच का मैनेजर आपको हाँ करता है तो आपको सी कैसे मिलेगा तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपका होम ब्रांच का जो मैनेजर होता है वो सी एस पी करता है तो आपको कुछ कंपनियां होती हैं उनसे संपर्क करना पड़ता है कंपनी जैसे हमारे क्षेत्र की तो अभी ऑक्सीजन है फिया है और भी काफी सारी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ ट्रस्टेड कंपनियां हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा संपर्क करेंगे ट्रस्टेड कंपनी होनी चाहिए कोई भी फर्जी नहीं होनी चाहिए तो ऑक्सी मेरे यहाँ तो ऑक्सीजन की और मैंने भी अपना सी एस पॉइंट है वो ऑक्सीजन से ही ले रखा है तो ऑक्सीजन से आपको संपर्क करना पड़ेगा उसके लिए और ऑक्सीजन आपको एक आईडी देगी आपकी सी एस के बना के तो सर्टिफिकेट में आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड एजुकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एजुकेशन सर्टिफिकेट लंग इंटरमीडियम का चलता है और उससे ज्यादा का हो तो और भी अच्छी बात है तो अब हम पहले बात करते हैं जो अपनी कंपनी होती है उसका कमीशन कैसे मिलता है कमीशन आपको अपनी कंपनी देगी कमीशन देती है बैंक लेकिन बैंक कमीशन देगी कंपनी को कंपनी देगी आपको तो कमीशन आपका ये नहीं आप इसमें अच्छी खासी कमाई है कोई भी अच्छी खासी कमाई नहीं है अगर अंजेक्शन अगर आप डेढ़ कर लेते हो तो डेढ़ सौ तो के हिसाब आप से आपको अठारह सौ रुपए बंद के मिल जाएगा और अभी कंपनी के थ्रू आप अपना सी एस बुक पॉइंट लें उसका जो बी सी होता है उसका जो ऑनर होता है उसको अपने बैंक मैनेजर के अकाउंटेंट के सामने बैठा के बात कर लें पूरी डिटेल ले लें और इसमें क्या होता है आप जब भी किसी खाते से विड्रॉल करते हो तो उसका जो पैसा होता है कंपनी खाते में जाता है क्योंकि एक सेटलमेंट अकाउंट बनता है वो सीधा कंपनी खाते में जाएगा पैसा और आप जब जमा करो तो कंपनी के खाते से कट जाएगा तो ये भी आप पहले तय कर लें आपका जो अकाउंट है सेटलमेंट वाला वो अलग से कंपनी आपका ही लिंक करे उसमें तो ज़्यादा बेटर रहेगा और कंपनी किसी भी एकदम से आप उनके भरोसा करने का नहीं अपने मैनेजर के सामने बात करना और किसी के सामने बात करने का भी नहीं तो और हम आपको अब ये बता देते हैं इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए इसके लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए होगा एक प्रिंटर चाहिए होगा एक काउंटर चाहिए होगा इन्वर्टर चाहिए होगा एक छोटी सी बैटरी आती है वो भी चाहिए होगी और यह भी हम बता दें आपको कंपनी या बैंक कुछ भी कुछ भी चीज प्रोवाइड नहीं करने वाली है सिवाय आईडी के कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगी आपको सब अपने तब से लगाना पड़ेगा अगर आप कस्टमर को पंखे के भाव में डालना चाहते हो आपको पंखा अपने रुपए से लाना पड़ेगा उसका बैंक नहीं देगा चार्ज ए सी के भाव में डालना चाहते हो तो उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा बैंक बिल्कुल भी चार्ज उसका नहीं देगी कहने का मतलब है जो हमारी सी एस पी होता है उसका पूरा सेटलमेंट आपको खुद अपने पैसों से करना पड़ेगा बैंक उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगी तो, inan, तो आपको चीज एक पहले ही देख लेनी होगी जो भी कंपनी आपको आईडी बना के देगी वो एक कंपनी अपनी भी आईडी आपको बना के दे देगी क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर डालेगी कि हमने जो आपको आईडी दी उस पर ये काम करो ये, ये काम करो प्रेशर बहुत डालती तो आपको ये भी चीज देख लेनी होगी जो भी कंपनी आईडी बना के दे उस वो अपनी आईडी ना दे क्योंकि बहुत ज्यादा काम का फिर वो प्रेशर आपके ऊपर डालने वाले हैं और इसमें आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन भी देना पड़ेगा पुलिस वेरिफिकेशन तो इसमें मस्ट है पुलिस वेरिफिकेशन इतनी आसानी से भी नहीं होता है अगर आप किसी वकील से मिल लेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन जो कि आपको सी लेने में काम देगा ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है तो किसी आप अपने वकील से मिल लें तो वो आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा देगा तो आप बात करते हैं इन्वेस्ट की कि इसमें हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो यहाँ आपके क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है आपके कंपनी ऊपर डिपेंड करता है किसी का दस होता है कभी किसी का बीस किसी का पच्चीस तो किसी का तीस ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा और आपके क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करेगा आपका क्षेत्र कैसा है तो उसी के हिसाब से ये आपसे भी चार्ज लिया जाएगा और एक बात और तय कर लें कंपनी से काफ़ी कंपनियां क्या होती हैं कहती हैं जो आपका अमाउंट जमा हुआ जो भी सिक्योरिटी जमा होगी वो रिफंडेबल होता है नॉन रिफंडेबल होता है तो ये भी आप तय कर लें पहले अक्सर क्या होगा अगर आप कभी अपना सी एस पी पॉइंट जो सरेंडर कर रहे हैं तो आपका जो पेमेंट सिक्योरिटी जमा हुई वो आपको वापस मिलनी चाहिए ये बात तो आप पहले अपनी कंपनी से तय कर कर रखें तो इसी तरीके से आपको सी एस पी पॉइंट मिलेगा मैंने जैसे बता दिया आपको अपने होम ब्रांच के मैनेजर से करना पड़ेगा अगर राजी होता है तो आपको किसी एक कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कंपनी है अपनी ऑक्सीजन है फिना है और जियो मार्क्स मार्क है इन सबसे आप संपर्क कर सकते हैं इंटरेस्टेड कंपनी है तो आप लोग इनसे संपर्क कर ले और मैंने आपको पहले बता दिया पूरी बात आप अपने बैंक के अधिकारी के सामने करना कितना कमीशन लगेगा रिफंडेबल है या नहीं है ये सब आप लोगों को पहले तय करना पड़ेगा उसी के बाद आप लोग ये सब कंपनी है जो लेना ऑक्सीजन है आपका तो ये जो सी है उसी के बाद आप लेना उससे पहले बिल्कुल भी लेना मत सोचा और मैं आपके ऊपर फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि सी लेना ही लेना है मैंने आपको बता दिया आप पूरी जानकारी लें उसके बाद सी एस लें और अगर आप ऑक्सीजन से सी लेना चाहते हो तो मैंने नीचे वीडियो का लिंक दिया अपने पापा का उसमें आप उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे आपको अपना ऑक्सीजन की साइड पर जाके फॉर्म फिल करना है तो वो वीडियो नीचे जाकर देख ले और मैंने आपको बता दिया सी कैसे लेना है क्या क्या सर्टिफिकेट लगते हैं सर्टिफिकेट में वही अपना आधार पैन कार्ड और प्लस वेरिफिकेशन और आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट लगता है तो ये सब चीज़ों मस्ट में और सी पॉइंट भी, भी ऐसे लिया जाता है फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक, तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग